नमस्कार दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम 2018 के नवोदय विद्यालय समिति के कैटरिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कैटरिंग असिस्टेंट के एग्जाम से रिलेटेड तैयारी में कोई भी वीडियो आपका छूटने ना पाए। तो चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, Which one of the following is not a symptom of food allergy? इसका करेक्ट आंसर है 4 fever। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि फूड एलर्जी क्या होता है। फूड एलर्जी जो होता है हमारी इम्यून सिस्टम का एक रिएक्शन होता है जब हम कोई फूड आइटम ऐसा खाते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है या उसको एज ए हजार्ड फूड आइडेंटिफाई करता है और वो कुछ बॉडी में रिएक्शंस देता है, हमारे कुछ सिम्टम्स पैदा होते हैं जैसे कि टिंगलिंग और इचिंग इन द माउथ, हाइव्स, इचिंग और एग्जेमा, स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, फेस, टंग एंड थ्रोट और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके अलावा जो है वीजिंग होता है, वीजिंग एक साउंड होती है, नेजल साउंड होती है, नेजल कंजेशन या फिर ट्रबलिंग इन द ब्रीदिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नोशिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस या फिर फेंटिंग भी इसमें हो सकती है। कॉमन जो फूड एलर्जेंस हैं उसमें सबसे टॉप पे आता है वो है पीनट या पीनट से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, पीनट ऑयल है वो सबसे ज़्यादा एलर्जी पैदा करता है। उसके बाद सी फूड है जिसमें शेलफिश है, क्रैब, प्रॉन, श्रिम्स ये सब आइटम आते हैं, सोया है या फिर वीट या वीट से बने हुए प्रोडक्ट है, ये भी कॉमन एलर्जेंस माने जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फीवर। फीवर जो है फूड एलर्जी का लक्षण नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन अ फूड दैट डज नॉट कंटेन एन एलर्जन कम्स इनटू कांटेक्ट विद द फूड दैट डज। तो ये जो है ऑलरेडी हम पिछली बार भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। उसका मतलब होता है, इसका आंसर है क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरिया और अदर कंटेमिनेंट्स जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी और कोई भी पैथोजन हो सकता है फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस और वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। इट हैपन जस्ट बिकॉज ड्यू टू द अनसैनिटरी हैंडलिंग प्रोसीजर ऑफ फूड एंड फूड आइटम्स। इसमें जो है सबसे अच्छा तरीका है क्रॉस कंटेमिनेशन का रोकने का वो है हैंड वॉशिंग, क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग इक्विपमेंट्स, यूटेंसिल्स एंड वर्क सरफेसेस एंड यूज डिफरेंट कटिंग बोर्ड्स फॉर वेरियस डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स जैसे मीट प्रोडक्ट्स हैं उनका अलग चॉपिंग बोर्ड होता है, ब्रेड का अलग होता है, वेजिटेबल्स का अलग होता है। तो इससे जो है हम क्रॉस कंटेमिनेशन को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रॉपर स्टोरेज स्टोरिंग प्रोसीजर्स यूज करके भी हम क्रॉस कंटेमिनेशन को रोक सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल फूड दैट आर हेल्ड कोल्ड मस्ट बी हेल्ड एट। अब इसमें टेम्परेचर बताना है कि जो कोल्ड फूड जिनको रखा जाता है कोल्ड टेम्परेचर में उसको रखने का सही टेम्परेचर क्या है। तो इसका आंसर है 41 degree Fahrenheit। तो यहाँ पर हमको एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेंजर जोन। डेंजर जोन जो होता है वो एक टेम्परेचर होती रेंज होती है जिसमें कि खाने में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो डेंजर जोन जो है वो फूड सेफ्टी एंड इन्फेक्शन इंस्पेक्शन सर्विस जो है यूएस की एजेंसी है वो डिफाइन करती है कि डेंजर जोन जो है वो रफली 40 to 140 degree Fahrenheit कहलाता है या फिर 5 to 60 degree Celsius पर डेंजर जोन कहलाता है। तो कोई भी अगर कोल्ड फूड आइटम है तो उसको 5 degree Celsius से नीचे मतलब 41 degree Fahrenheit पे उसको रखना पड़ेगा और यदि हम उसको हॉट रखना चाहते हैं तो 60 degree Celsius से ऊपर मतलब 61 degree Celsius या फिर 141 degree Fahrenheit पे उसको हमें रखना पड़ेगा तभी वो सेफ रहेगा खाने के लिए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेफर्ड मेथड ऑफ थॉइंग पोटेंशियली हजार्डस फूड। अब थॉइंग का मतलब क्या होता है, कोई भी जो रेफ्रिजरेटर
फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको हम जब नॉर्मल टेम्परेचर में लेके आते हैं उस कुकिंग से पहले, तो उसको थॉइंग कहा जाता है। तो इसमें हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो थॉइंग होती है वो तीन टाइप की होती है। पहली जो होती है वो रेफ्रिजरेटर थॉइंग होती है, दूसरी जो है कोल्ड वाटर थॉइंग होती है, और तीसरी होती है माइक्रोवेव थॉइंग। तो यहाँ जो हमें कॉन्सेप्ट समझना है वो रेफ्रिजरेटर थॉइंग है। जैसे कि कोई भी मीट प्रोडक्ट है वो फ्रीजर के अंदर में रखा होता है, नॉर्मली जो है करेक्ट टेम्परेचर जो उसका होता है फूड साइंस के हिसाब से -18 डिग्री सेल्सियस पे उसको रखा जाता है। जब हम उसको कुक करना है तो हम फ्रोजन मीट को डायरेक्टली कुक नहीं कर सकते हैं, इसलिए उससे पहले हमें इसको थॉ करना पड़ता है, उसको रेफ्रिजरेटर में नीचे की तरफ रखना पड़ता है, एक कंटेनर में या पैन में रखना पड़ता है। क्योंकि जैसे कोई अगर कोई फ्रोजन मीट है उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वो बहुत सारा मॉइस्चर छोड़ता है, तो इसलिए उसको पैन में रखता है, और ये प्रोसेस जो है कई घंटे तक चल सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इन द रेफ्रिजरेटर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल बैक्टीरिया इन अ फूड एस्टेब्लिशमेंट इज टू कंट्रोल। तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर है टाइम एंड टेम्परेचर। इसका जस्टिफिकेशन ये है कि इट इज टू क्रिटिकल टू कंट्रोल टेम्परेचर एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम दैट फूड इज एक्सपोज टू द हॉट जोन टेम्परेचर बिटवीन 41 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगेन डेंजर जोन की बात की गई है, तो डेंजर जोन जो कॉन्सेप्ट है वो हमें अच्छे से पढ़ लेना है, उसी से हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, इन स्पेन स्मॉल फूड आइटम्स इंटेंडेड टू बी ईटन विद वाइन और अदर ड्रिंक्स यूजुअली इन टैवर्न्स एंड बार्स आर नोन एज। तो बार में जो स्नैक्स आइटम होते हैं, स्मॉल आइटम्स होते हैं, टिडबिट आइटम्स स्पेन में खाए जाते हैं, उनको क्या कहता है? तो उसका करेक्ट आंसर है तपस। जो तपस होते हैं ये भी जो है टिडबिट आइटम्स होते हैं जो कि नॉर्मली बार्स वहां के बार्स में सर्व होते हैं एज ए स्नैक। अब इन सम पार्ट्स ऑफ मेक्सिको जो तपस है उसको बोटानास भी कहा जाता है। इसमें कुछ ऑप्शन है उनको भी समझ लेते हैं, जैसे कि जकूस्की है, जकूस्की जो होता है वो रशियन एपेटाइजर्स को कहा जाता है। जो मेज है वो भी जो स्मॉल आइटम्स हैं एपेटाइजर्स हैं जो कि वेस्ट एशिया या बाल्कन रीजन में खाए जाते हैं उसको मेज बोलते हैं। एंटी पास्तो जो होता है वो इटालियन कुजीन में कहा जाता है, ये फर्स्ट कोर्स होता है फॉर्मल इटालियन मील में। तो ये चीज भी हमको पूछी जा सकती है, वैसे चांसेस कम है, इंटरनेशनल कुजीन बहुत ज्यादा पूछी नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूरोपियन कंट्रीज द ब्रॉन इज सर्व्ड एज ए लंचन मेन कोर्स विद सौते पोटैटोस एंड सॉसेस सच एज। तो जो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ब्रॉन होता क्या है। ब्रॉन को हेड चीज भी कहा जाता है, ये एक कोल्ड कट टेरिन होता है जो कि हेड के काफ के हेड या फिर पिक के हेड से बनता है, एंड इट इज टिपिकली सेट इन एस्पिक जेली। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है रेमुलाड सॉस। रेमुलाड सॉस जो होता है वो कोल्ड सॉस होता है जो कि डिराइव होता है मेयोनीज से, और इट इज सिमिलर टू टार्टर सॉस, लेकिन जो है इसमें ये येलोइश कलर का होता है। इसके अलावा कुछ चीज और यहाँ पे दी हुई है, जैसे कॉकटेल सॉस है, कॉकटेल सॉस जो है वो टोमेटो केचप बेस्ड सॉस होता है। थाईलैंड आइलैंड ड्रेसिंग है जो कि आपकी मेयोनीज बेस्ड ड्रेसिंग होती है, और साथ में टार्टर सॉस दिया हुआ है, ये भी जो है मेयोनीज बेस्ड एक कॉन्डिमेंट या फिर सॉस होता है। अगले क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया है द बेस्ट नोन फिश स्ट्यू मेड बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ ओशन फिश एंड शेल फिश फ्लेवर्ड विद सैफरन इज कॉल्ड। अब इसका करेक्ट आंसर है वो है बुया बेस। इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है इसका, बुया बेस बोलते हैं। तो जो बुया बेस होता है वो फिश एंड सी फूड से बना हुआ स्ट्यू होता है जो कि फ्रांस या फिर इंग्लैंड में अधिकतर कंज्यूम किया जाता है। एक और इसमें ऑप्शन दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज शॉर्डर। शॉर्डर जो होता है क्रीमी सूप होता है। इसमें जो फेमस वैरायटी है वो क्लैम शॉर्डर है जो कि अमेरिकन कुजीन में सबसे ज्यादा खाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कटिंग इनटू डाइसेस ऑफ द साइज ऑफ ग्रीन पीस इज कॉल्ड। अब जो है अगेन कट ऑफ वेजिटेबल यहाँ पे पूछा गया है, तो वेरियस कट्स ऑफ वेजिटेबल हर साल जो हमने पिछले क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया था वहां भी जो है
कट ऑफ वेजिटेबल पूछे गए, तो इसका करेक्ट आंसर है जो ग्रीन पीस के साइज का जो कट होता है डाइस साइज, उसको मेसिडोइन कहा जाता है। मेसिडोइन का जो एग्जैक्ट साइज होता है 1/4 इंच डाइस में होता है। इसमें कुछ और ऑप्शंस भी दिए हैं, उनको समझ लेते हैं। जैसे कि मिन्सिंग है, मिन्सिंग फूड का मतलब होता है उनको 1/8 इंचेस या फिर 1/16 इंचेस डायमीटर में काटा जाता है, ये स्मॉलेस्ट साइज होता है। इसके बाद इसको हम करेंगे तो पल्प या प्यूरी वो कहलाती है। उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जूलियन। जूलियन जो कट होता है 1/8 इंचेस होता है और 2 या फिर 3 इंचेस लॉन्ग होता है, मतलब ये मैच स्टिक के साइज का होता है। अगर फाइन जूलियन है तो उसका साइज 1/16 इंचेस वाइड होता है। एक और यहाँ पे ऑप्शन दिया है जार्डिनायर। जार्डिनायर जो होता है उसकी साइज जो है 5 mm विड्थ और 5 × 5 cm लेंथ उसकी होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर इंटरमिंगलिंग एंड डिस्पर्शन ऑफ फैट विद इन द लीन सेक्शन ऑफ मीट, तो इसका करेक्ट आंसर है मार्बलिंग। मार्बलिंग जो होता है इट इज द विजिबल अनसेचुरेटेड इंट्रामस्कुलर फैट दैट एक्युमुलेट्स विद इन द मसल एंड बिटवीन द मसल फाइबर बंडल्स, तो ये मार्बलिंग कहला जाता है। इसमें एक और टर्म है जो कि बार्डिंग है, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। बार्डिंग का मतलब होता है किसी भी मीट या गेम आइटम को रैशेस ऑफ फैट बेकन से कवर करना, उसको बार्डिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेस लाइक प्रोपेन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन रिफर टू एज, तो इसका करेक्ट आंसर है एलपीजी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन सकता है, एलपीजी जो इंडिया में यूज होती है उसमें प्रोपेन 35% होता है और ब्यूटेन 65% होता है। एक और चीज है जो हम सबको पता होना चाहिए क्योंकि हम कैटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, जो एलपीजी गैस सिलेंडर का जो वेट होता है वो 15.3 kg होता है और उसमें जो गैस होती है वो 14.2 kg कुकिंग गैस होती है, और उसके टोटल सिलेंडर का वेट होता है जो हम यहाँ पे हम कमर्शियल सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर का जो वेट वेट होता है 29.5 kg होता है। आप कमेंट सेक्शन में आपको एक आंसर करना है कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर होता है उसमें कितनी गैस आती है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज दी हुई है बायोगैस। जो बायोगैस होती है वो मिक्सचर होता है कई गैसेस का, जिसमें कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रमुख गैस होती है, और ये रॉ मटेरियल कई रॉ मटेरियल होते हैं जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट, मेन्योर, म्यूनिसिपल वेस्ट, प्लांट मटेरियल, सीवेज, ग्रीन वेस्ट एंड फूड वेस्ट से बनता है, और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। क्वेश्चन नंबर 72 को देख लेते हैं। व्हाट सिलेंड्रिकल क्ले अवन पॉपुलर इन इंडिया एंड पाकिस्तान कैन बी यूज फॉर कुकिंग मीट फिश एंड ब्रेड ओवर चारकोल, तो इसका करेक्ट आंसर है तंदूर। इसको हम ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बट कुकिंग इक्विपमेंट्स के बारे में भी हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 को जब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 कहता है बायोगैस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ, अब हमको यहाँ पे ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शन दिए हैं रॉटन वेजिटेबल्स और प्लांट्स, वेस्ट फ्रॉम किचन, प्लास्टिक बॉटल्स या मैन्योर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्लास्टिक बॉटल है, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल से बायोगैस नहीं बन सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें कि है डैश इज नोन एज अ हैंडी फ्यूल। इस क्वेश्चन को हम 2019 में जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है सॉलिड फ्यूल को हैंडी फ्यूल कहा जाता है, जो कि शेफन डिश में बुफे में जो शेफन डिश लगती है उसके नीचे इसको रखा जाता है खाना गर्म करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ जब चलते हैं तो क्वेश्चन है व्हाट इज सिवाइश। सिवाइश क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सिवाइश जो है रॉ फिश मैरिनेटेड इन लाइम जूस एंड स्पाइस्ड विद चिली सॉल्ट सिलेंट्रो एंड गार्लिक को खा जाता है, जो कि एक साउथ अमेरिकन डिश है। अगला क्वेश्चन चलते हैं जिसमें पूछा गया है अ स्पाइसी ब्राउन सॉस मेड फ्रॉम चिली स्पाइसेस ब्रेड क्रम्स एंड चॉकलेट इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है वो मोल है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जैसे साल्सा, पीको दी गैलो, ये सारे जो ऑप्शन है ये स्पेनिश कुजीन का हिस्सा है, सॉरी मैक्सिकन कुजीन का ये हिस्सा है, और जो गिनाश है, गिनाश जो है वो बेकरी का टर्म होता है। अब अगला क्वेश्चन है द क्लासिकल फ्रेंच डिश एस्कॉर्गॉट इज मेड फ्रॉम, एस्कॉर्गॉट या एस्कॉर्गो
किससे बनता है? वो करेक्ट आंसर है स्नेल से, ये बनता है, ये क्लासिकल फ्रेंच डिश है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डिज्नी मूवी रातातुई टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम, रातातुई जो मूवी है वो इसका टाइटल किससे बना है? तो रातातुई जो है एक चूहे की मूवी आई थी जिसको कि IMDb में 8 स्टार दिए गए हैं। तो ये चूहे की मूवी है जो कि एक शेफ होता है, एक कुक होता है, उस चूहे पे बेस्ड मूवी है। इसका करेक्ट आंसर है कुक मिक्स ऑफ समर वेजिटेबल, जो रातातुई होता है एक तरीके से मिक्स्ड वेजिटेबल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 79 हम देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड यूनिक सीजनिंग इन थाई कुजीन। तो इसमें जो थाई कुजीन में दो चीजें यूज की जाती है, कि लेमन ग्रास सही आंसर है और फिश सॉस। बट लेमन ग्रास जो है वो सीजनिंग नहीं होती है, ये एक तरीके की रूट हर्ब होती है, या हर्ब इसको कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका फिश सॉस है। जो फिश सॉस है वो ईस्ट एशियन कुजीन या साउथ ईस्ट एशियन कुजीन का इंटीग्रल पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू ब्रेज एन इंग्रीडियंट। अगेन जो है कुकिंग मेथड को यूज पूछा गया है। ब्रेजिंग जो है वो पिछले साल के भी पेपर में, मतलब 2019 के पेपर में भी इसको पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रेजिंग जो है, पहले फूड को ब्राउन किया जाता है, पैन में उसको कुक किया जा सकता है, और उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड में इसको लो टेम्परेचर पर कवर करके कुक किया जाता है। तो ब्रेजिंग जो है कुकिंग मेथड है, जो कि दो कुकिंग मेथड, जिसमें कि पैन रोस्टिंग और फिर उसको सिमरिंग पे रखा जाता है, उसको ब्रेजिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड इज नॉट अ सबमर्जन मेथड। सबमर्जन मतलब जिसको डुबा के बनाया जाता है उसको सबमर्जन, यहाँ पे नॉट वर्ड लिखा है, मतलब जिसको डुबा के पानी में या फिर किसी लिक्विड में डुबा के नहीं बनाया जाता है, उस कुकिंग मेथड की बात की गई। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने हैं, सिमरिंग में पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर डुबा के खाने को पकाया जाता है, बॉइलिंग में भी ऐसा किया जाता है, पोचिंग में भी ऐसा किया जाता है, जो स्टीमिंग है उसको डायरेक्ट लिक्विड में या फिर पानी में सिमर करके नहीं रखा जाता है। तो जैसे इडली है, इडली जो है उसमें हम इडली को खौलते हुए पानी में नहीं डालते हैं, उसको स्टीम से कुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कुकिंग मीट इन अ वैक्यूम सील्ड बैग इन अ लो टेम्परेचर वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सू वीड। सू वीड जो होता है इसको LTLT कुकिंग भी कहा जाता है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। तो इस कुकिंग मेथड में क्या होता है, जो कि फूड होता है उसको एक प्लास्टिक पाउच में रखा जाता है या फिर ग्लास जार में रखा जाता है, और उसको पानी की बाद में, गर्म पानी की बाद में नॉर्मली कुक किया जाता है, 1 से 7 घंटे तक उसको नॉर्मली कुक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन कुकर्स यूज मैग्नेटिक वेव्स टू हीट कुकवेयर एंड फूड। ओनली द कुकवेयर इन एंड इट्स कंटेंट्स गेट्स हॉट। व्हाट मस्ट बी द कुकवेयर मेड ऑफ। अब कुकवेयर कौन सा किस चीज का बना होता है इंडक्शन कुकर का? तो उसका आंसर है मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं, डॉकिंग इज अ टर्म बेस्ट रिलेटेड टू विच मेथड ऑफ कुकरी। तो डॉकिंग जो टर्म है वो बेकिंग में यूज की जाती है, जहां की फोक की मदद से जो पाई होती है उसमें छेद किए जाते हैं, ताकि जो वो पाई है वो ज्यादा उसमें एयर ना बने। तो डॉकिंग जो टर्म है वो बेकिंग से रिलेटेड होती है। अगला क्वेश्चन है, एन एक्वेटिक प्लांट इज नॉट रियली राइस बट इट इज जनरली क्लासिफाइड विद राइस। तो इसका करेक्ट आंसर है वाइल्ड राइस। वाइल्ड राइस जो होता है एक्वेटिक प्लांट होता है, जो एक्चुअल में राइस नहीं होता है, लेकिन राइस के रूप में अमेरिका और चाइना में खाया जाता है। अगला प्रश्न है, विच स्पाइस इज यूज कॉमनली इन इंडियन रेसिपी टू मेक राइस पुडिंग बाय एडिंग इट टू मिल्क। तो करेक्ट आंसर है इसमें कार्डमम। अगर यहाँ पे कार्डमम की जगह ग्रीन कार्डमम लिखा होता था ज्यादा अच्छा होता। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच स्पाइस टेकन फ्रॉम क्रोकस फ्लावर इज नोन फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस। तो करेक्ट आंसर है सेफ्रॉन।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। सिलेंट्रो इज द वर्ड नॉर्थ अमेरिकन यूज फॉर विच हर्ब। तो करेक्ट आंसर है इसका कोरिएंडर। तो सिलेंट्रो, कोरिएंडर, पार्सले, ये एक ही चीज के अलग अलग नाम है। अगला क्वेश्चन है एनी काइंड ऑफ एडिबल फूड ग्रेन मोस्टली यूज एज ब्रेकफास्ट फूड लाइक वीट, बकवीट, ओट्स, राई, कॉर्न, मेज, मिलेट, बार्ले और सोर्गम बिलोंग्स टू विच ऑफ द बिलो कैटेगरीज। तो इसका करेक्ट आंसर है वो सीरियल में आता है जो कि ब्रेकफास्ट फूड होता है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसमें पूछा गया है एन अलाकार्ट मेन्यू रिफर्स टू। तो इसका करेक्ट आंसर है अलाकार्ट मीन्स अलाकार्ट का मतलब होता है फ्रॉम द कार्ट, ये टाइप ऑफ मेन्यू होता है और इसमें करेक्ट आंसर है चॉइस ऑफ फूड सेलेक्टेड फ्रॉम अ मेन्यू वेयर डिशेस आर इंडिविजुअली प्राइस। तो यहाँ पे हम फिर देख रहे हैं कि एक बार फिर हमें मेन्यू से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। प्राइसिंग द मेन्यू इन्वॉल्व्स। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें ऑप्शंस को ध्यान से देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है टेलिंग द कॉस्ट ऑफ द डिशेस ऑन अ मेन्यू। अब यहाँ पे कॉस्ट वर्ड यूज किया जा रहा है और यहाँ पे प्राइसिंग की बात हो रही है। कॉस्ट मतलब लागत होता है तो ये आंसर गलत है। कैलकुलेटिंग द फूड कॉस्ट, अगेन यहाँ पे कॉस्ट की बात की गई है और ऑप्शन 4 में बोला गया है कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ राइटिंग एंड पब्लिशिंग द मेन्यू। तो अगेन यहाँ पे कॉस्ट की बात की गई है। तो ये तीनों करेक्ट रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर है कैलकुलेटिंग द प्राइस टू बी चार्ज फॉर द वेरियस डिशेज एंड बेवरेजेस। तो यहाँ पे हम प्राइस को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 92 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लेरिफाइज द वे सप्लायर विल सर्विस अ बिजनेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है परचेज एग्रीमेंट। जो परचेज एग्रीमेंट होता है वो सप्लायर और जो बिजनेस है उसके बीच में एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 93 है Why is plating a dish important? किसी भी डिश को खाने की जो डिश होती है उसको प्लेटिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? उसका करेक्ट आंसर है गुड प्रेजेंटेशन ऑफ ए डिश एड्स वैल्यू टू द डाइनिंग एक्सपीरियंस। डाइनिंग एक्सपीरियंस को वैल्यू एड करती है एक प्रॉपर तरीके से प्लेटेड डिश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। As purchased, AP is. इसका करेक्ट आंसर है the portion of food in raw state before any cutting and processing. तो as purchased मतलब कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल जिसको as it is रखा गया है उसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं की गई है उसको as purchased कहा जाता है। ये yield management में इस concept को use किया जाता है। तो yield management भी हम एक बार इस topic को पढ़ेंगे ताकि हमें exam में कोई भी चीज छूट नहीं ना पाए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान क्या होता है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ये हमारा फ्रंट ऑफिस का क्वेश्चन है जिसमें मील प्लान, जिसमें कि रूम और जो मील होते हैं उसके कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग मील प्लान चेंज होते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्रेकफास्ट विथ रूम रेट्स। तो जो ब्रेकफास्ट विथ रूम रेट्स होता है वो कॉन्टिनेंटल प्लान कहलाता है। डिनर विथ रूम रेट्स, ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन 3 है ऑल मील्स इंक्लूडेड इन विद रूम रेट्स। तो ये हमारा अमेरिकन प्लान कहलाता है जिसमें कि एक रूम रेट्स के साथ में सारे मील मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों इंक्लूड होते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान का वो है ब्रेकफास्ट एंड डिनर और लंच। मतलब ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के साथ में डिनर रहेगा या फिर लंच रहेगा विद रूम रेट्स। रूम रेट्स के साथ में ब्रेकफास्ट रहेगा और डिनर और लंच में ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म फ्लो हॉर्सेस मीन इन मेन्यू इंजीनियरिंग। मेन्यू इंजीनियरिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स होते हैं जो जिनको कैटेगराइज किया जाता है उनकी पॉपुलैरिटी और उनके रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से कौन सी डिश कितनी पॉपुलर है उसको मेन्यू इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसमें कई ऑप्शन दिए हैं जिसमें कि आइटम्स ऑफ हाई पॉपुलैरिटी एंड हाई ग्रॉस रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। तो इस ऑप्शन को हम स्टार डिशेस बोलते हैं और सेकेंड ऑप्शन दिया है आइटम्स ऑफ हाई पॉपुलैरिटी एंड लो ग्रॉस रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर यही है। फ्लो हॉर्सेस जो होते हैं कोई फूड आइटम्स होते हैं जो कि पॉपुलरिटी में हाई होते हैं और उनका रेवेन्यू कम होता है। ऑप्शन 3 है
एंड हाई ग्रॉस रिवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन, इनको पजल कहा जाता है। जो पजल आइटम होते हैं उनकी पॉपुलैरिटी कम होती है लेकिन रिवेन्यू ज्यादा होता है। चौथा ऑप्शन है आइटम्स ऑफ लो पॉपुलैरिटी एंड लो ग्रॉस रिवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये कौन सी कैटेगरी की डिशेज होती है जिनकी पॉपुलैरिटी भी लो होती है और उनका रिवेन्यू भी कम होता है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरी 2019 के जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है कैटरिंग असिस्टेंट का, उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर जो आई बटन बना हुआ है उसको प्रेस करिए और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द टर्म ब्रंच मींस, जो ब्रंच का मतलब क्या होता है। तो ब्रंच जो होता है इट्स अ मील विच कम्बाइंस ब्रेकफास्ट एंड लंच, मतलब ये एक समय ऐसा होता है 11 बजे से 11:30 बजे के आसपास या 12 बजे, इट्स अर्ली लंच बोल सकते हैं या फिर लेट ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं। तो ब्रंच जो होता है उसमें दोनों तरीके के आइटम, ब्रेकफास्ट आइटम और लंच आइटम, इसका मिक्सचर होता है। जो मॉडर्न ब्रंच है नॉर्मली वो जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से है और नॉर्मली जो है ब्रंच उसको संडे के साथ में एसोसिएट किया जाता है। संडे के दिन ब्रंच को बनाया जाता है क्योंकि सैटरडे के दिन लोग नॉर्मली पार्टी करते हैं, रात में देर तक जागते हैं और संडे के दिन लेट उठते हैं और इसलिए वो ब्रंच करते हैं। तो ब्रंच में नॉर्मली जो है जो कॉन्सेप्ट है वो अर्ली लंच का है और उसमें ब्रेकफास्ट और लंच दोनों आइटम होते हैं और साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री बेवरेजेस भी होती है जिसमें कि स्पार्कलिंग वाइन हो सकती है और जो अल्कोहल नहीं लेते हैं उनके लिए सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक या जूसेस या भी किसी तरीके की नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब कई ऑप्शन दिए हूं इसमें, अ लार्ज बुफे नीड्स मोर मनी, मतलब यहाँ ऑप्शन दिया है अ लार्ज बुफे नीड्स मोर मनी बिकॉज। अब इसमें सही आंसर है वह द पीपल वुड बी हंग्रियर सो दे नीड मोर फूड पर पर्सन। अब ये जो है ऑप्शन देख के आंसर करने वाला क्वेश्चन है, इसको आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऑप्शन देखेंगे और सही ऑप्शन को चूज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है, द प्रोसेस ऑफ लोअरिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड इधर बाय रिमूविंग अ वाइटल कंपोनेंट और बाय एडिंग सब्सटेंसेस ऑफ इंफीरियर क्वालिटी इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन में खाने की चीज में हम किसी भी तरीके की मिलावट करते हैं जो कि पॉइजनस या नॉन पॉइजनस या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की इंफीरियर क्वालिटी के सब्सटेंस को ऐड करने की हो सकती है, उसको फूड एडल्ट्रेशन कहते हैं। तो जैसे दूध होता है, दूध में कई बार यूरिया या डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो वो चीजें पॉइजनस होती हैं, तो वो भी फूड एडल्ट्रेशन कहलाता है। और जैसे काजू कतली है, काजू कतली में यदि मूंगफली मिलाई जाती है तो वो भी फूड एडल्ट्रेशन कहलाता है। हालांकि मूंगफली जो है वो किसी तरीके से पॉइजनस नहीं होती है, तब भी वहां पे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीज का को मिक्स किया जा रहा है, वो भी फूड एडल्ट्रेशन कहलाता है। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, वो है आइडेंटिफाई दी क्वालिटी कंट्रोलिंग एजेंसी इन इंडिया विच चेक्स डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडर्स इन फूड एडल्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है FSSAI, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो ये FSS जो एक्ट है 2006 में आया था उस पे ये जो है कंट्रोलिंग एजेंसी बनी हुई है जो कि किसी भी तरीके के फूड एडल्ट्रेशन की प्रैक्टिसेस को रोकती है। तो इसमें एक क्वेश्चन हमारा और भी निकल के आता है FSSAI की, आपका जो असाइनमेंट वो ये है कि आपको FSSAI की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे जानना है कि इसमें जो इस बॉडी के चीफ कौन है, इसके जो है चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट कौन है और कौन इसको हेड करते हैं और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, उसमें लेटेस्ट अपडेट क्या चल रही है और क्या FSSAI कोई सर्टिफिकेशन कोर्स भी कराता है फूड हैंडलर्स के लिए, ये आप इनकी वेबसाइट में जाके सर्च करेंगे क्योंकि ये FSSAI बहुत बार पूछा जा चुका है। अब जो है अगला क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो इसमें अपडेट का आएगा जिसमें कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और इस मिनिस्ट्री को कौन हेड करता है, उसका मिनिस्टर कौन है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बनी रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन पे। धन्यवाद।